तो भाई जरा सोचो तो सही, जो आजमाइश गांव में हो, जो इम्तिहान गांव में हो, जो एग्जाम हॉल में हो, अरे शरीर से शरीर बच्चा भी अगर एग्जाम हॉल में बिठाया जाए तो वो संजीदा हो जाता है। और कुरान कह रहा हमने तुमको इम्तिहान हॉल में भेजा, हमने तुम्हें इम्तिहान गांव में भेजा। ये आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान की जगह कोई शायरी नहीं होती, कोई हंसी मजाक नहीं होती, कोई गाने बाजे नहीं होते, कोई छेड़छाड़ नहीं होता। हाल तो ये होता है कि दोस्त भी दोस्त से जी चुरा के सुनता है, अरे वक्त बचाओ क्योंकि अपना काम पूरा करो। अगर हमने टाइम नहीं बचाया तो नाकाम हो जाएगी। तो इम्तिहान हॉल में बैठना शरीर से शरीर बच्चे को भी संजीदा बना देता है। हमारी गैर संजीदगी की इंतहा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन अच्छा अमल करता है और वो कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं। दिल बहला